नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू सीईसी लेक्चर सीरीज। आज हम बात कर रहे हैं कार्टून्स की प्रिंट मीडिया में भूमिका के बारे में। इससे पहले हमने बात की थी कि कार्टून्स का उद्भव कैसे हुआ, ये ओरिजिनेट कैसे किए, कैसे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह के कार्टून्स बनते रहे, और पिछले करीब करीब 300 सालों में कार्टून्स की दुनिया ने एकदम एक नए तरह का उछाल लिया है। आज हम बात करते हैं कि इन कार्टून्स की प्रिंट मीडिया में असल में उपयोगिता क्या है, इनका इस्तेमाल क्यों होता है और इनका क्या फर्क पड़ता है। हम बात कर रहे थे पॉलिटिकल कार्टून्स के बारे में भी। हमने जिक्र किया कि गैग कार्टून्स क्या हैं, इलस्ट्रेटिव कार्टून्स कौन से हैं और एनिमेटेड कार्टून्स। जैसे पॉलिटिकल कार्टून्स अडॉन अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ न्यूज़पेपर, ऑफन इन अ कॉर्नर, बट इट हैज अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द रीडर्स। आमतौर पर रीडर के तौर पर आपने पॉलिटिकल कार्टून्स को ज्यादा देखा होगा। अ कार्टून कन्वेज अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इन एवरी फ्यू वर्ड्स। द इमोशंस बिहाइंड द पॉलिटिकल कार्टून्स आर जेन्युइन एंड ऑल्दो हार्श आर टेकन विद अ सेंस ऑफ ह्यूमर। कार्टून्स की खासियत ये है कि वो हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, कई बार बड़े सटल तरीके से टॉन्ट करते हुए अपनी बात को कह देते हैं। अक्सर वो चुभते भी नहीं, क्योंकि उनका अंदाज बहुत चुभाने वाला ना होकर अक्सर कुछ बतलाने वाला होता है, जतलाने वाला होता है। और यही वजह है कि कार्टून्स एक तरह से फेस ऑफ द न्यूज़पेपर भी बन जाते हैं, और कार्टून्स कई बार उस पूरी खबर का सार प्रस्तुत कर देते हैं जो जनता के दिमाग में कहीं घूम रहा होता है। कार्टून्स की भूमिका प्रिंट मीडिया में बहुत अहम है। कार्टून्स हेल्प द रीडर्स टू अंडरस्टैंड द मूड ऑफ द कंट्री। दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ द कंट्री। मिसाल के तौर पर आप जिस भी न्यूज़पेपर को रोज पढ़ते हैं, करीब एक महीने की कार्टून्स को काट कर रख लीजिए और आप उन्हें ध्यान से देखिए। आपको अंदाजा होगा कि कार्टून्स की दुनिया कितनी गहरी और कितनी गंभीर है। हर कार्टून किसी मुद्दे पर होगा, हर कार्टून किसी ऐसी चीज पर होगा जो उस समय की है, जो कंटेम्प्रेरी है, और ये कार्टून की एक खासियत होती है। कार्टून्स बीइंग सिंपल, अट्रैक्टिव एंड फनी अट्रैक्ट द चिल्ड्रन एज वेल एज द ग्रोन अप्स। कार्टून असल में उम्र की सीमा में बंधे नहीं होते। किसी भी उम्र का कोई भी इंसान कार्टून को देखे तो वो उसे कुछ ना कुछ समझ जरूर सकता है। कम शब्दों में, कम दुरूह तरीके से, आसानी के साथ कार्टून्स अपनी बात को कन्वे करने में सक्षम होते हैं, thus leaving long lasting impact on readers. You would have met many many people across the years who still remember a cartoon that they would have seen years ago. ऐसा क्यों होता है? सालों पहले देखा हुआ भी कोई कार्टून हमें कभी कभी नहीं भूलता, क्योंकि उस कार्टून ने हमारे मानस पर कुछ असर जरूर डाला होता है। कार्टून्स ब्रेक द मोनोटोनी एंड प्रेजेंट आयरनी थ्रू स्केच्ड एंड बूस्ट इमोशंस थ्रू विजुअलाइजेशन। सो दे प्रेजेंट आयरनी थ्रू डिफरेंट स्केचेस एंड दे बूस्ट इमोशंस थ्रू विजुअलाइजेशंस बिकॉज दे आर विजुअल्स इन्वॉल्व इन इट। इन प्रिंट मीडिया अ कार्टून इज एन इलस्ट्रेटेड और सीरीज ऑफ इलस्ट्रेशंस यूजुअली ह्यूमरस इन इंटेंट। This usage dates from 1843, when Punch magazine applied the term to satirical drawings in its pages, particularly sketches by John Leech. अब जरा इस तस्वीर को देखिए, कितने कम शब्द हैं, थोड़े से शब्दों में इलस्ट्रेशन के जरिए सिंपल बात को आप तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। The contribution of print media in providing information and transfer of knowledge is remarkable. और यही वजह है कि cartoons बरसों बाद भी अपनी जगह को उसी मजबूती के साथ बनाकर रख पाए हैं। Even after the advent of electronic media, the print media has not lost its charm or relevance. Cartoons allow us to express ourselves freely and to put forward our viewpoints, whereas they create fun and humor for readers, which helps publication to attract them. अखबारों की दुनिया में कार्टून्स आज भी उसी ताकत, उसी ऊर्जा के साथ कायम है जैसे वो पहले थे। आज भी कई अखबारों में कार्टून्स फ्रंट पेज पर दिखते हैं और कुछ में एडिटोरियल पेज में। और जो बात
शायद 1,000 या 2,000 शब्दों से कही जा सकती है, उस बात को अक्सर कार्टून एक छोटी सी स्पेस में कह देता है। लेकिन इन कार्टून्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? कई सारे हैं, जैसे कि पर्सुएसिव टेक्निक्स। कार्टूनिस्ट यूज सेवरल टेक्निक्स और मेथड्स टू गेट देयर पॉइंट अक्रॉस। मोस्ट पॉलिटिकल कार्टून्स मेक यूज ऑफ सच टेक्निक्स टू कन्वे द वर्ड ऑफ एम्फेसिस। सम ऑफ द वाइडली यूज टेक्निक्स आर सिम्बोलिज्म, एग्जेजरेशन, लेबलिंग, एनालॉजी एंड आयरनी। कार्टूनिस्ट यूज सिंपल ऑब्जेक्ट्स और टोकन्स एज सिंबल्स टू स्टैंड फॉर लार्जर कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज। When one identifies a symbol, he should think of what the cartoonist intends to convey from it. Symbolism, as histories say, has a considerable influence on one's emotional thinking for creating a better understanding of the issue. Sometimes cartoonists choose to overdo or exaggerate the physical characteristics of people or things in order to make a point. Facial expressions and clothing are the most commonly exaggerated characteristics. One should first try to identify the thing which is most overblown or overdone, and then should try to analyze what the cartoonist intends to say through this. कई बार किसी एक चीज को जोर से ज्यादा ब्लो अप किया जाता है। कार्टूनिस्ट क्यों करता है ऐसा, उसके पीछे एक वजह होती है। इसी तरह लेबलिंग। Cartoonists often name objects or people to make it clear exactly what they stand for. The reader should look at the different labeling done by the cartoonist and should try to understand why the object or the person has been labeled so and what it says about the entire issue. An analogy is a comparison between two unlike things that share some common characteristics. दो चीजें जो आपस में वैसे तो मेल नहीं खाती, लेकिन कोई एक पॉइंट है, कुछ एक चीजें हैं जो उनमें कहीं पॉइंट कॉमन है, उसे हम इस श्रेणी में लाएंगे। बाय कंपेयरिंग अ कॉम्प्लेक्स इश्यू और अ सिचुएशन विद अ मोर फैमिलियर वन, कार्टूनिस्ट कैन हेल्प द रीडर सी इट इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। फिर है आयरनी। आयरनी इज द डिफरेंस बिटवीन हाउ थिंग्स आर एंड हाउ थिंग्स शुड बी और हाउ दे आर एक्सपेक्टेड टू बी। Cartoonists often use irony to express their opinion on an event of an issue. The reader should try to find any irony if depicted in the cartoon. Then try to identify what the irony is trying to emphasize. तो प्रिंट मीडिया में जब अलग अलग धाराओं से गुजरते हुए कार्टून्स आते हैं, उनकी एक बहुत खास अहमियत है, चाहे वो एडिटोरियल स्पेस हो या फिर फ्रंट पेज हो। कार्टून्स अपने आप अपने मुद्दे को एक्सप्रेस करते हैं, जो आसपास का मुद्दा है वो पॉलिटिकल हो सकता है, सोशल भी हो सकता है, कल्चरल, फाइनेंशियल, कुछ भी हो सकता है, और वो उन लकीरों के जरिए कई बार रीडर को इन्फ्लुएंस करते हैं। कार्टून्स हैव एन एवरलास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द माइंड ऑफ द रीडर। दे डिस्क्राइब द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स और मैसेजेस इन अ हैंडफुल ऑफ वर्ड्स। कम से कम शब्द, कम से कम बात, और उसके जरिए मैसेज को कन्वे करने की ताकत एक कार्टून में होती है। कार्टून इन अ विजुअल मीडियम, इट एंगेजेस द ऑडियंस एंड हेल्प्स देम अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट वेरियस पॉलिटिकल एंड सोशल इवेंट्स। दे हेल्प इन द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मूड ऑफ द कंट्री। पॉलिटिकल कार्टून्स आर इंस्पायर्ड बाय द सिचुएशन अराउंड द कार्टूनिस्ट एंड व्हाट ही सीज एंड बिलीव्स आर पोर्ट्रेट थ्रू हिज स्केचेस। मैं इसमें एक बात को और भी जोर देकर कहना चाहूंगी, जैसे कि आजादी से पहले के कार्टून्स अगर आप उठाएंगे 1940 से लेकर 1947 तक, तो आप उनमें एक अलग तस्वीर देखेंगे, आजादी को पाने की जद्दोजहद वाले कार्टून्स। उसके बाद गरीबी या भुखमरी से जूझते हुए विकास की तरफ बढ़ते हुए देश से जुड़े हुए कई कार्टून्स, और उसके बाद कई तरह का दौर आता गया, और हर दौर में राजनीति और राजनेताओं पर कार्टून्स आपको दिखाई देते हैं। कई बार सिर्फ कार्टून्स को देख लेने भर से आपको उस समय की राजनीतिक या आर्थिक स्थिति की व्याख्या करने में भी बहुत मदद मिलती है। एस वी पद्मनाभा
senior news cartoonist and president of Karnataka Cartoonist Association, says, "For me, cartoon is poetry in lines. It packs great meaning in a few lines. शब्द कम से कम हैं, लेकिन उन कम शब्दों में बहुत बड़ी बात को कह देने की ताकत कार्टून में है. Cartoons helps to put out opinions. For example, the caricature of Indira Gandhi with sharp nose during emergency. The visual metaphors help us to understand things in a better manner. Cartoons help the journalists and cartoonists to wisely present and comment on issues which are restricted by government. दुनिया के बहुत से देशों में कई बार जब पाबंदियां लगी तब भी कार्टूनिस्ट ने अपनी कलम के जरिए हंसी मजाक और आलोचना इन सब को जोड़ा और अपनी बात को कहा. The editorial column catches the attention of policy makers where cartoonists present public opinion. Editorial cartoons should be smart and substantive, provocative and informative. They should stir passions and deep on through sketches. Editorial cartoons should be the catalyst for thoughts, and frankly speaking, if you can make politicians think, this is an accomplishment in itself. इसे कहा था माइकल रेमिरियाज, अमेरिकन कार्टूनिस्ट ने. कार्टून्स अम्यूज एज वेल एज पर्सुएड, दे एनकरेज ओपिनियन फॉर्मेशन एंड डिसीजन मेकिंग ऑफ रीडर. प्रिंट मीडिया में कार्टून्स आमतौर पर एक क्लियर मेंटल पिक्चर को बनाने में मदद करते हैं, स्पीड अंडरस्टैंडिंग एंड हेल्प मेमोरी एंड प्रोवाइड अ शेयर्ड एक्सपीरियंस. कई बार कार्टून्स हम इतिहास की तरफ भी ले जाते हैं, और कई बार कार्टून्स में ये ताकत भी होती है कि हमें आने वाले समय के बारे में वो सचेत करें या फिर आगाह करें. द राइज ऑफ कॉमिक जर्नलिज्म ऑनलाइन विच कम्बाइंस अ लॉन्गर कॉमिक स्ट्रिप फॉर्मेट एज अ मीन्स टू डिले अ स्टोरी इन मोर डेप्थ इज वेरी इफेक्टिव इन अ वर्टिकल वेब फॉर्मेट. As visual journalists, they can tell a story in a visual way with words and images. Because an editorial cartoonist expresses an idea visually with little or no text of words, it can be understood across many languages and countries. A strong tradition of editorial cartooning can be found throughout the world in all kinds of political environments, including Cuba, Australia, Malaysia, Pakistan, India, Iran, France, Denmark, Canada and the United States. A political cartoonist's aim is often to encourage debate. They can also fuel controversy. Their work can expose corrupt or abusive regimes, governments or political groups, and they are therefore often put themselves and their publishers at risk. Kai baar cartoonists राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक स्थितियों की व्याख्या करते हुए किसी डिबेट को भी जन्म दे सकते हैं. कई बार उन पर बहुत बहस भी हो सकती है, और दुनिया के कई देशों में ऐसा भी हुआ है कि कार्टूनिस्ट ने किसी एजेंडा से भी प्रभावित होकर कार्टून्स को बनाया और फिर उन पर कड़ी कार्रवाई भी की गई. इसलिए जरूरी है कि जो कार्टून बना रहा हो वो निष्पक्ष तरीके से चीजों को देखते हुए, समझते हुए और पढ़ते हुए फिर कार्टून को बनाए. यहाँ एक बात और भी मैं साफ कर दूं कि अच्छा कार्टूनिस्ट बनने के लिए खूब पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना पढ़े मुद्दे को समझा ही नहीं जा सकता, और जब तक मुद्दा समझ नहीं आएगा तब तक रेखाओं के जरिए अपनी बात को सटीक तरह से कहा नहीं जा सकता. इसलिए अगर आप पत्रकारिता की दुनिया में आना चाहते हैं और कार्टूनिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले खूब पढ़ना होगा और रोज पढ़ना होगा. Cartoons are a reflection of society and provide for a point of view to the people reading it. Cartoons are considered as harmless, while in reality they can unleash a revolution. वो लगते साइलेंट हैं, चुपचाप हैं, लेकिन असल में एक बढ़िया कार्टून क्रांति भी ला सकता है. Cartoons being attractive and simple interest all age groups, even children, thereby creating a long-lasting impact on their thought process. Though harmless, they can have a highly persuasive effect on the audience, sometimes paving way for a revolution. Cartoons paint the entire situation in a much easier and understandable manner, along with emphasizing the main purpose, so that it hits the audience like a bullet, clear and on the point. Kuch famous cartoonists, inke naam aapne sune honge,
इनको, इनके बारे में थोड़ा सा और पढ़िए और इनके बनाए कार्टूनस को, कार्टून्स को जरूर देखें, जैसे कि आर के लक्ष्मण. बॉर्न इन 1921, ही रिसीव सेवरल अवार्ड्स लाइक पद्म विभूषण, रेमन मैग्सेसे अवार्ड फॉर जर्नलिज्म, लिटरेचर एंड क्रिएटिव कम्युनिकेशन आर्ट, एंड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर जर्नलिज्म. ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज क्रिएशन द कॉमन मैन, विच इज अ सिंबल ऑफ ऑल द इंडियन कॉमन मैन गोज थ्रू, हैज क्रिएटेड अ कल्ट फॉलोइंग फॉर द मैन एंड हिज मेकर. के शंकर पिल्लई, हु इज बेटर नोन बाय हिज पेन नेम शंकर. के शंकर पिल्लई इज अ हाईली सेलिब्रेटेड इंडियन कार्टूनिस्ट. He is credited as the father of political cartooning in the country. He started Shankar's Weekly, India's Punch, in 1948. Mario Miranda, he was born in 1926. Based out of Goa, he was posthumously awarded the Padma Vibhushan in 2012. His works appeared in the Times of India, the Economic Times, and other Mumbai-based dailies. ये कुछ खास पॉलिटिकल कार्टून्स या अलग अलग दौर पर बने हुए कार्टून्स. ऐसे बहुत से कार्टून्स आप देख सकते हैं. आप अगर अपने कंप्यूटर पर बैठकर गूगल सर्च करें 1940 से 1950, ऐसे दशक, अलग अलग दशक के कार्टून्स आप देखेंगे, तो आप देखेंगे कि कार्टूनिस्ट ने अपने नज़रिए से उस समय की व्यवस्था पर कुछ कहने की कोशिश की है. और आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि कैसे एक बड़े मुद्दे पर या गंभीर मुद्दे पर सिर्फ कुछ लकीरों के जरिए कार्टूनिस्ट ने पैनापन दिखाते हुए उस मुद्दे को एक साथ समेट कर रख दिया है. समय बदलने के साथ साथ और तकनीक में बदलाव के साथ कार्टून्स की दुनिया में भी जबरदस्त बदलाव आया है. Cartoonists now try to comment on issues apart from politics. For example, the climate change, rape cases, water crisis, transgender issues, which gives them a new style of presenting stuffs in a distinct manner. अब कार्टून का मतलब सिर्फ पॉलिटिकल कार्टून नहीं है. बहुत से अलग अलग मुद्दों पर कार्टून्स बनते हैं, चाहे वो आर्थिक मुद्दे हों, सामाजिक मुद्दे हों, पानी जैसा मुद्दा, क्लाइमेट चेंज का मुद्दा, तमाम ऐसे मुद्दे जिससे समाज उस समय जूझ रहा होता है या जिसके बारे में सोच रहा होता है, अब वो कार्टूनिस्ट के दायरे में आने लगा है. अलिया देवा सिंपल कैरिकेचर्स विद नो लिमिटेड टेक्स्ट कमेंटिंग ऑन द इवेंट और पर्सन, बट टुडे द कार्टूनिस्ट एड स्लोगन्स प्रोवर्ब्स टू देयर वर्क विच मेक्स देम मोर अट्रैक्टिव एंड अंडरस्टैंडेबल. द टेक्स्ट आर प्रेजेंटेड इन डिफरेंट स्टाइल ऑफ राइटिंग लाइक कैलीग्राफी और दे आर मेड कलरफुल यूजिंग डिजिटल मेथड्स विच मेक्स देम आई कैचिंग. अब तो इस जमाने में आपने देखा होगा कि कई कार्टूनिस्ट अपने काम की एग्जीबिशन भी लगाते हैं, उसी किताब का रूप देते हैं और कार्टून्स को अलग अलग विधाओं के जरिए सोशल मीडिया से भी अब वो शेयर करते हैं. कार्टून्स आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू द एडिटोरियल पेजेस, बट नाउ द कार्टून्स फाइंड स्पेस इन द फर्स्ट पेज एज वेल एज फ्यू पेजेस इन बिटवीन, रिफ्लेक्टिंग देयर ग्रोइंग इम्पोर्टेंस. अब ऐसा नहीं है कि कार्टून की एक जगह फिक्स है. कार्टून्स कई बार अलग अलग पेजेस पर भी दिखाई देते हैं और उन्हें वो उपयोगिता, वो सम्मान मिलता है जिसके वो हकदार हैं. Years ago, the only way to make cartoons was handmade, frame by frame. Now, there are a lot of cartoons made with Flash, After Effects or other softwares with different kind of features. For many years, use and growth of technology has facilitated cartoons development. From the early ages of the 2D to the invention of the zero type, from the early ages of the 2D, now we see cartoons created in different dimensions and different formats. Mixed techniques like making backgrounds, handmade painting, and finished in a computer software, handmade sketches of the actions, and finished in stroke and color work in computer software. Cartoon characters and their features are almost the same, only today they look much more fancy. पहले के मुकाबले cartoons ज़्यादा smart हुए हैं, ज़्यादा रंगीन भी हुए हैं और ज़्यादा witty भी हुए हैं. Cartoons have over the years helped establish and sustain our attention to political satire
एंड लुक एट द लाइटर साइड ऑफ थिंग्स विदाउट रिड्यूसिंग इट टू अ लाफिंग मैटर। आप जानते हैं कि खबर की दुनिया गंभीर दुनिया होती है, विश्लेषण एक गंभीर काम है, लेकिन कार्टून्स में वो ताकत है कि वो कभी कभी अपनी बात के जरिए हंसा भी देते हैं। एक गंभीर दिखने वाली अखबार या पत्रिका में कार्टून का एक कोना उसे एक नई रंगत देता है। कार्टून्स में हाई रिकॉल वैल्यू है जो इश्यूज को लंबे समय तक जागृत रखती हैं, अलाइव रखती हैं। उनके जरिए मामलों को, मुद्दों को लंबे समय तक याद रखा जा सकता है, टटोला जा सकता है। इनफैक्ट कार्टून्स अपने आप में शोध का विषय हो सकते हैं। कार्टूनिस्ट लाइक आर के लक्ष्मण आर लेजेंड्स नॉट बिकॉज ऑफ द पेपर दे एसोसिएट विद, रादर बिकॉज ऑफ द कार्टून्स दे पुट आउट। द कॉमन मैन जैसे कार्टून्स जिन्हें आर के लक्ष्मण ने बनाया और सींचा, आज भी उस समय की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को समझने के लिए हमारे सामने जैसे एक आईने के तौर पर खड़े हैं। असल में कहा जाए तो कार्टून्स असल में उस दौर को डॉक्यूमेंट कर देते हैं। आप अगर किसी भी एक दशक को उठाकर उस दौर के कार्टून्स को देखेंगे तो बिना ज्यादा पढ़े भी आप ये समझ जाएंगे कि उस दौर की क्या दिक्कतें थी, उस समय का देश किन परेशानियों से या किन चुनौतियों से जूझ रहा था, उस समाज की, उस देश की जनता की, उस देश के लोगों की क्या तकलीफें थीं, और उसे जूझते हुए किस तरह के सुझावों को सरकार की तरफ से उन तक वो पहुंचे, या फिर लोगों ने उससे जूझते हुए क्या सोल्यूशन निकालने के प्रयास किए। कार्टून्स असल में उस समाज का एक बहुत बड़ा दर्पण है, और यही वजह है कि कार्टून्स को हम किसी भी दौर में कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। आर के लक्ष्मण का कॉमन मैन, वो अपने कार्टून्स के जरिए कभी बूढ़ा नहीं हुआ, वो हमेशा युवा रहा और उसी तरह से हमारी स्मृतियों में हमेशा के लिए बस गया। लेकिन यहां ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि कई बार कार्टून्स कॉन्ट्रोवर्शियल हुए हैं, कई बार वो उनका इम्पैक्ट उतना गहरा ना होकर, बल्कि ऐसा भी हुआ कि कई बार कार्टून्स लगा कि जैसे किसी एक रंग में रंग कर अपनी बात को कहने की कोशिश कर रहे हैं। कार्टून्स तभी प्रभावी होते हैं जब वो निष्पक्ष हों, पूरी जानकारी के साथ हों, जनता के हित में हों और समाज और जनता के बीच एक पुल बनने का प्रयास करते हों। क्योंकि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक समस्याएं जो भी हों, कार्टून्स को पॉलिटिकल को पॉलिसी मेकर से लेकर आम जनता तक सभी ध्यान से, बड़े गौर से देखते हैं। इसलिए कार्टून में वो शक्ति है कि वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्याओं की तरफ जनता का ध्यान दिलाने के साथ साथ एक तरह की ओपिनियन को बनाने में भी मदद करे, और जो परेशानियां हैं उनकी एक निजात, उनकी एक सॉल्यूशन की तरफ भी ध्यान दिला सके। आज की इस लेक्चर सीरीज में आपसे बात करते हुए मैंने इनमें से कुछ सोर्सेस की मदद ली है। आप भी चाहें तो इन सोर्सेस को गौर से देख सकते हैं।